दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। अब सोना खरीदे आसान किश्तों में, 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदन वन, नागपुर। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने आज गढ़चिरौली के शौर्य जवानों से मुलाकात कर फिर नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गढ़चिरौली पुलिस ने और C-60 दल के जवानों ने जो कार्रवाई की है वह इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई से नक्सल मूवमेंट पर असर जरूर पड़ेगा। C-60 जवानांना भेटून त्यांचं अभिनंदन केलं, सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं अभिनंदन केलं आणि आता इथे या आमच्या जवानांना भेटण्यासाठी आलो। जवानांची तब्येत सुधारते आहे, काही काळजी करण्यासारखं नाही, ते सर्व सेफ झोनमध्ये आहेत। माझी खात्री आहे की ते सुद्धा लवकरच बरे होतील। या गडचिरोली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबद्दल मी पोलीस दलाचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नागपुर में धारा 144 लागू होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, उन सभी पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे। नियमांचं पालन सगळ्यांनीच केलं पाहिजे। जमावबंदी असताना 144 प्रमाणे 5 लोकांपेक्षा जास्त लोकांना जमायला बंदी असताना सुद्धा कोणी जर मोर्चे काढत असेल किंवा मॉबमळ करत असेल तर त्याबाबतची जी काही कारवाई आहे ते संबंधित विभागातर्फे, संबंधित अधिकाऱ्यांतर्फे केली जाईल।